अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तवा जो फ्राइंग पैन रहता रोटी डालने का, उसको जो है डीप क्लीनिंग कैसा करते बताती हूँ मैं। क्योंकि अक्सर आप देखिए, रोज़ रोटी डालने के बाद थोड़ा आटे का लेयर जो है तवे पे लग जाता, जिसकी वजह से रोटी जो है कभी अच्छी नहीं बनती। तो एटलीस्ट आप जो है ये मेथड देखिए, एक एवरी 10 या 1 वीक में जो है तवा ऐसा क्लीन करना, जैसा मैं आपको करके बताती हूँ। आप देखिए, अब तवे को जो है पहले ऑन करिए, स्टोव ऑन करिए और इसको एक 10 मिनट खूब हीट होने दीजिए तवे को। अब उसके बाद आप क्या करिए, एक नाइफ लीजिए और नाइफ से देखिए आप इस तरीके से उसको पूरा आप घसीए। देखिए आप इस तरीके से करिए, आप ये पूरा निकल रहा देखिए ब्लैक। देखिए कई दिन से ये जो है तवों पे लगा हुआ रहता। देखिए आप, मैं ऐसा जो है लेयर बाय लेयर निकाल रही हूँ। देखिए आप ऐसा पूरा खुरचते जा रही है, देखिए स्क्रैच करते जा रही है। देखिए कितना सारा निकला, देखिए आप देखिए सारा निकला ये। देखिए इस तरीके से आप जो है चाकू से करिए, ऐसे डायरेक्शन में रखिए नाइफ। कितना सारा निकला देखिए आप वेस्ट। अब उसके बाद इंशाल्लाह रोटी बहुत अच्छी पड़ती है। अक्सर हर एक के घर में तवों पे यही प्रॉब्लम रहता है। देखिए आप, ये जो है तवा आयरन का है, इसलिए जो है इसको नाइफ से ऐसा करना है, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में जो है बिल्कुल नहीं करना आप लोग। देखिए आप कितना नीट हो गया। अब इसको वॉश करे बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मगर एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये हमेशा करते वक्त चूल्हा ऑन रहना, और ये करने से पहले जो है ये तवा जो है एक 10 मिनट्स खूब गर्म रखिए आप चूल्हे पर, उसके बाद स्क्रैच करना शुरू करिए। देखिए आप कितना नीट हो गया, क्या होगा ना, उसके बाद मैं आपको वॉश करे बाद दिखाती हूँ। होने के बाद इसको ठंडे पानी से, नॉर्मल सोप से जो है इसको वॉश कर लीजिए, और जो है ये साफ करते वक्त, स्क्रैच करते वक्त आप जो है रूटीन की नाइफ नहीं लेना। देखिए आप ये नॉर्मल नाइफ लेना, इससे करिए स्क्रैच, या नहीं तो आप ये भी यूज़ कर सकते। कितना वेस्ट निकला देखो आप लोग। और ये वॉश करने के बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ कितना स्मूथ हो गया, देखिए आप। तो आप लोग इसको जो है ये मेथड को 1 वीक या 1 10 डेज जो है यूज़ करिए, क्योंकि लेयर होने से रोटी जो है अच्छी नहीं बनती। और अगर ये मेरा हैक आपको पसंद आया तो आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो जो व्यूअर्स देखेंगे उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये मेरा हैक आपको पसंद आया तो मेरे कुकिंग चैनल पर मेरे कॉन्टेंट और हैं, आप वो भी जो है उस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं।